वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो घर पे ही वर्कआउट करना चाहती हैं, लेकिन क्या और कैसे करना है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। आज मैं आपके साथ 10 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी, जिनके मैंने 5 सेट बनाए हैं और हर एक सेट में दो दो एक्सरसाइजेस हैं। दोनों एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको 30 सेकेंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद उसी सेट को रिपीट करना है। देन यू कैन टेक 1 मिनट ब्रेक एंड स्टार्ट नेक्स्ट सेट। स्टार्टिंग में आप हर सेट को 2 ही बार करें। धीरे धीरे जब आपका स्टैमिना बनने लगे तो आप 3 या 4 सेट लगाने के साथ साथ इनकी रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं। इस वर्कआउट में कोई खास इक्विपमेंट्स मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ, जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो सबके घर में अवेलेबल होती ही हैं। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप किसी भी तरह की इंजरी से सेफ रहें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं अपने हर बॉडी पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ। 5 मिनट्स आपको इसी तरह से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद हम वर्कआउट शुरू करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको बॉडी पेन फेस करना पड़े, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस मसल पेन ही होगा। हॉट वाटर से बाथ लें और 1 दिन का गैप लेते हुए वर्कआउट करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी इसके यूज टू हो जाएगी और पेन होना भी बंद हो जाएगा। सो वार्म अप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ दिस वर्कआउट। फर्स्ट सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स एंड सेकंड एक्सरसाइज है स्काई हॉप्स। खुद को फिट रखने के लिए जब हम बिना वेट्स के घर पे ही वर्कआउट करने का डिसाइड करते हैं तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए जो हमारे ब्रेथ रेट को हाई रखें, ताकि एक्सरसाइज करते हुए आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें और ऑक्सीजन फैट बर्निंग में अमेजिंग रोल प्ले करती है। जंपिंग जैक्स में आर्म्स को 2 डायरेक्शन में यूज करते हुए कर रही हूँ, ताकि वेरिएशंस के साथ साथ बॉडी शॉक में रहे। एक सेट में इसे 25 रेपिटेशन से शुरू करें और धीरे धीरे 100 तक लेके जाएं। बेसिकली ये एक कार्डियो वर्कआउट है, जिसके सिर्फ 2-2 सेट लगाने के बाद ही आप अमेजिंग फील करेंगे एंड डेफिनेटली आपको वेट लॉस में भी काफी हेल्प करेगा। ये दोनों एक्सरसाइजेस कर लेने के बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, उसके बाद इसी सेट को रिपीट करना है। देन हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक और शुरू करेंगे अगला सेट। सेकेंड सेट की फर्स्ट एक्सरसाइज हाई नी ट्विस्ट एंड सेकेंड बर्पीज। इस एक्सरसाइज में आपको 1 by 1 अपने नी और आर्म को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है, और ये चीज आप फोर्स के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। स्पीड पहले स्लो रखें, उसके बाद स्लोली इंक्रीज करने की कोशिश करें। इसे आप 20 रेपिटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं।